स्वागत है हमारे किचन देसी किचन में आप सबका। और इसको राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसकी विधि। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने साग धोकर रेडी रख लिया है, और ये हमारा है बैंगन और कंदमूल, और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं दाल जो है, इसमें मूंग की दाल है। मूंग की दाल को हमने पहले फ्राई कर लिया था, थोड़ा रोस्ट कर लिया था, फ्राई नहीं कहूंगी, रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में। रोस्ट करने के बाद इसको हम एक साथ पका रहे हैं कढ़ाई में। तो देख रहे सारे एक साथ ही पक रहे हैं। ये पकने के बाद साग के साथ हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो थोड़ी देर और इसे पक। देखिए साग में से ही मैंने ये फूल अलग किए हैं, ये ड्रमस्टिक्स के ही फ्लावर्स होते हैं। तो इसकी एक रेसिपी मैंने इससे पहले बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस रेसिपी को देख सकते हैं। इन फूलों के मैंने बड़े बनाए थे। तो आप देखिए अब हम साग बनाने जा रहे हैं, तो दोनों ही चीजों के अलग अलग हम रेसिपीज बना सकते हैं। तो इस कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरी कढ़ाई हमारी इस गैस पर चढ़ी हुई है। ये इस कढ़ाई में हम वो सब्जियां और दाल को पका रहे हैं एक साथ, जिसमें शकरकंद है, बैंगन है और मूंग की दाल है, सब एक साथ पक रहे हैं। अरबी भी है इसमें। देखिए रेडी कर लिया है तड़के के लिए। तो तड़के के लिए हमने सरसों लिया है, सूखी मिर्च, और ये प्याज, और ये लहसुन, टमाटर और जीरा भी हमने यहाँ पर रेडी करके रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें तो जीरा के बाद हमने यहाँ पर सरसों डाल दिया है। सरसों और जीरा देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप फड़कने दें। उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद इसको जरा सा हम फ्राई करेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और लाल मिर्च को भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारी चीजें एक साथ गोल्डन ब्राउन होने तक पकेंगी, और लाल मिर्च में भी अच्छा, लाल मिर्च डालने पर अच्छा स्वाद आता है इसमें, इसलिए हम लाल मिर्च डालते हैं। साथ ही प्याज इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें अच्छे से पकें और अच्छे से इसका जो स्मेल आए, जिससे आपको लगे कि ये पक चुका है, थोड़ा अच्छे से फ्राई होना चाहिए। तो इसको अच्छे से फ्राई करें। देखिए लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, प्याज भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जरा इसी तरह चलाते रहें। आँच को जरा मीडियम कर लें, जिससे कि हमारा जो ये मसाला है वो जले ना। हमें इधर भी देखना है कि ये हमारा जो बॉईल होने के लिए हमने रखा था ये कितना बॉईल हो चुका है। देखिए मूंग की दाल जैसे जल्दी पक जाती है, तो इसमें हमें हल्की पकी हुई दिख रही है, और सारी चीजें ऑलमोस्ट पक गई है। तो ये भी हमारा रेडी है, दोनों साइड हमारा ये रेडी होना चाहिए, तभी साग जो है वो हम लास्ट में अच्छे से उसको फिर इसमें पकाएंगे मसाले के साथ। तो इसमें इसमें हम टमाटर को डालेंगे इस तरह से, टमाटर अच्छे से इसमें पकना चाहिए। एक होता है इसको राइस के साथ हम खा सकते हैं, तो राइस के साथ लंच में आप इसको आराम से दाल की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल लेमन राइस खाना चाहते हैं तो लेमन राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं।
ये भी बड़ा एक अलग सा ही टेस्ट आएगा, जो एक नया टेस्ट होगा। तो देखिए हमारा ये गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, हम इसी तरह से इसको पहले पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। अब इसमें क्योंकि लहसुन का पहले से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो लहसुन के फ्लेवर के साथ जो साग का फ्लेवर होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। तो हम इसमें अब साग डालेंगे जिससे इस साग के टेस्ट में चार चांद लगने वाले हैं। देखिए साग हमने सारे डाल दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो आप जानते ही होंगे, वो है नमक। तो हम इसमें अब नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको इसके साथ मिला लें, प्याज टमाटर के साथ लहसुन के साथ ज़रा मिला लें, फिर हम इसमें नमक डालेंगे। साग हमें देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, इसका अमाउंट कम हो जाएगा। जैसे कि हर साग का गुण होता है आप सबको पता ही होगा, तो साग खाने में जितना टेस्टी होता है उतना हेल्दी भी होता है हमारे लिए। हमें साग को अपने डाइट में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डाइट होता है और राइस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसका अमाउंट कितना कम हो गया, अब हमें ज़्यादा लग रहा था लेकिन इसका अमाउंट कम हो गया। तो ये हमने नमक डाला इसमें, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालें। इसको जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तब तक इसको आप ऐसे ही चलाते रहें। ओके, अब ये जो दाल हमने बॉईल किया था सब्जियों के साथ, अब इस दाल को हम इसमें डालेंगे। देखिए रेसिपी देखने में जितना अच्छा लग रहा है और बनाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, तो खाने में भी मुझे लगता है इससे अच्छा और अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो देखिए इसको अच्छे से आप इसको इसमें मिलाएंगे साग के साथ। इसमें हल्का सा पानी देना पड़ेगा हमें ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो सके, वरना ये सूखा सूखा रह जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको और अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे गैस पर, धीमी आंच में थोड़ा सा पका लेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। कमाल का लगता है ये साग, तो ज़रूर ट्राई करें इस साग को और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह इनोवेटिव रेसिपीज़ आपको बताते रहें और आप अपने घर में ज़रूर इसको बनाते रहें और लोगों को खिलाते रहें। थैंक यू सो मच। हल्का हल्का इसको चलाते रहें जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए दाल के साथ। मूंग दाल का तो जो फ्लेवर है वो लहसुन के साथ इतना कमाल का आता है कि आप एक बार खाएंगे तो बोलेंगे बार बार बना, तो बार बार बनाकर खाइए और इसका मज़ा लीजिए।
इसको अब हम सर्व करेंगे एक बाउल में, थोड़ी देर और पकने देते हैं, 5 से 7 मिनट आप इसको पकाएं धीमी आंच पर, जिससे इसका फ्लेवर खुल के आए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो साग है वो रेडी है, और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो इसमें लहसुन का फ्लेवर है, इसमें मूंग दाल का फ्लेवर है, इसमें सब्जियां भी हैं, तो बहुत ही हेल्दी भी है सबके लिए। तो साग को हमें इंक्लूड करना ही चाहिए अपने डाइट में। तो इसको ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।